हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना मिल्क शेक बनाएंगे। ये बनाना शेक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या हल्की फुल्की भूख में बना करके पी सकते हो। ये बनाना शेक अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है उसे भी दूर करता है। पके हुए केले आप फेंकने की बजाय इसे बनाना मिल्क शेक रेडी कर सकते हो। चलिए अब हम अपना बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए रेडी कर लेते हैं। देख लेते हैं हमें बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। वो कटे हुए केले जो अच्छी तरह से पके हुए होने चाहिए, 4 से 5 कटी हुई डेट्स जिसे हम हिंदी में खजूर भी कहते हैं, और हमें चाहिए 250 ml फ्रेश मिल्क। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच शुगर, आप इसे भी कम ज़्यादा कर सकते हो। आप इसे ना भी ले तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे बनाना एंड डेट्स में शुगर होती है। चलिए हम अपना बनाना शेक रेडी कर लेते हैं। तो पहले मैं ब्लेंडर में अपने कटे हुए बनाना डाल रही हूँ, डेट्स डाल रही हूँ, शुगर डाल रही हूँ और थोड़ा सा मिल्क। पहले हम आधा मिल्क ही डालेंगे, इनको ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 1 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो अभी हम इसमें अपना सभी जो है हमारा मिल्क वो डाल देते हैं। अभी फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। ओके, अभी हमारा शेक रेडी है। अभी हम इसे बंद कर देते हैं। तो अभी हम इसे सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेते हैं। अभी हम इसमें थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। थोड़ी सी कटी हुई डेट्स मैं ऊपर में डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बनाना मिल्क शेक बन करके रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो इसे रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। See you, take care, have a healthy life. Enjoy the banana milkshake. Thanks for watching. Bye-bye.